दालचीनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की का नहाते हुए चुपके से वीडियो बना लिया गया। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025-26, 50% ऑफ ऑन एडमिशन फी फॉर द फर्स्ट 50 एडमिशन। और उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिवार वालों ने बताया कि अगस्त महीने में जब 17 वर्षीय लड़की अपने घर के बाथरूम में नहा रही थी, तब पड़ोस के ही एक युवक ने चुपके से उसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हाल ही में युवक ने फिर से उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और जब लड़की ने विरोध किया तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना की जानकारी मिली और फिर लड़की से पूछने पर उसने सारी जानकारी बताई। उन्होंने कहा कि इस जानकारी के बाद युवक के खिलाफ कालचीनी थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि आरोपी युवक को सख्त से सख्त सजा मिले। इधर कालचीनी थाना की पुलिस ने कहा कि आरोपी युवक को कल आलीपुर द्वार अदालत भेजा जाएगा। जी, हम लोग का तो घटना ऐसा हुआ है, मैं तो लड़की का मौसी हूँ, रहने वाले हैं भटखवाटी गार्डन का। तो हमारा लड़की का जो एज है वो 17 साल है और वो किसी फ्रेंड के घर गई थी, तो वहाँ पे एक लड़का उसके नहाने वाला वीडियो को बना के उसको वो लड़की को ब्लैकमेल कर दिया था। ब्लैकमेल करने के बाद में उसको बार बार टॉर्चर करता था शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो ऐसा एक बार दो बार हुआ, उसके बाद में फिर उसको पेरेंट्स को बा उसका दीदी सबको, उसका फ्रेंड को और हमको भी धमकी दिया लड़का, और बोला कि सबको मार डालूंगा, हाफ मर्डर आपका भी हो जाएगा, ऐसा लड़की को भी धमकी दिया और बोला। उसके बाद में लड़की ठीक है मान गई और बोली कि ये वीडियो डिलीट कर देना, और मैंने तो कुछ नहीं किया है आपका, फिर भी इतना क्यों कर रहे हो, ऐसा करके लड़की उसका हाथ पांव जोड़े, फिर लड़की से ज़बरदस्ती करने के साथ ही वो चाकू सब लेके रखता था और लड़की को पूरा ज़बरदस्ती किया और ऐसा होगा हुआ। और उसके बाद में लड़की, हम लोग गए बीफे को, फिर हम लोग को मालूम चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, फिर पूछताछ की है। उसके बाद में लड़की साफ साफ बताई कि नहाने वाला वीडियो से हमको ब्लैकमेल करके ये सब किया।